Our intern, if you guys know about, you have this seen over here from last 3 months. So, good morning. कुछ बातें हैं, कुछ stories हैं, कुछ learnings हैं, जिससे मैं बहुत motivated हुआ हूँ, वह share करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ. This is especially for the young age. तो मेरे age के हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे हैं. तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. Life में लोगों से एक inch भी आगे बढ़ने का मौका मिले ना तो उसे छोड़ना मत. क्योंकि अगर तुमने आज टाइम नहीं निकाला अपने सपने पूरे करने के लिए तो कल तुम्हें कोई और उठा ले जाएगा उसके सपने पूरे करने के लिए. बात याद रखना यार, हमें ना लोगों का बड़ा डर रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे. तो एक बात सुन लो, जिस दिन हमने ऊंचा सोचना शुरू कर दिया और लोग हमारे बारे में सोचना शुरू कर देंगे, हमें ना ऐसा लाइफ में ऊंचा होने के लिए ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड सपोर्ट किसी की जरूरत नहीं होती. उसे उसके अंदर की जिद है जो उसे ऊंचा ले जाती है. मैं अपने एक बात शेयर करना चाहता हूँ. मेरे फैमिली रिलेटिव्स बोलते हैं, गणेश तू ये कर, तू वो सीख. पर ये जो एज है ना 20-25 यंग एज, दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ऑफ आवर लाइफ. तो मैं उन लोगों को ये कैसे बताऊँ कि अगर मैं आज वो सीखने में टाइम वेस्ट कर दिया जो मुझे नहीं आता तो कल मैं वो भूल जाऊंगा जो मुझे आता है. तो हमने तो ये बहुत सुना है कि सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी. तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि वो जर्नी शुरू कहाँ से होती है? मैं बताता हूँ. जो मुझे बता दो, सक्सेस होता क्या है? लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना ही सक्सेस नहीं होता. मनी गिव्स ओनली ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ. तो बाकी चीज क्या है? सक्सेस मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वरी, फ्रीडम फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, फ्रीडम फ्रॉम फेलियर. उससे बड़ी बात, सक्सेस मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड द लास्ट, सक्सेस मीन्स टू कंप्लीशन ऑफ योर गोल. वो आदमी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जिसके लाइफ का कोई गोल ना हो. तो अब तो पता चल गया होगा कि सक्सेस की जर्नी कहाँ से शुरू होती है. तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर तुम किसी सक्सेसफुल आदमी को जानते हो गए तो उसमें तुम्हें एक ही चीज सबसे ज्यादा देखने मिलेगी, वो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका उस पर खुद पे भरोसा. तो अगर सक्सेस की सीरीज तो शुरू करनी है तो आज ही कॉन्फिडेंट हो जाओ. मेरा तो मानना है यार, इस दुनिया में आए हो तो कुछ कर जाओ वरना भाई मर जाओ. हमें ना लाइक कभी कभी बिना टिकट के आ जाते हैं ना तो डर लगता है कि वो पकड़े जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे. अगर चलते स्टेशन पे देखोगे तो लाखों लोग आते हैं जाते हैं. तो जो टीसी होता है ना 90% लोग उन लोगों को ही पकड़ लेते हैं जिसका टिकट नहीं होती. ऐसा क्यों? ऐसा क्या ट्रेनिंग मिलती है उन लोगों को? उन्हें सिर्फ एक ही ट्रेनिंग मिलती है. तुम उन निगाहों को ढूंढो जिन निगाहें तुम्हें ढूंढ रही हो. बस